दोस्तों, वेलकम टू द यूनिवर्सल रूमर। आज मेरा मन कर रहा है प्रॉन करी खाने का। मैंने एक लोकल आउटलेट से ये फ्रेशली फ्रोजन प्रॉन्स खरीद लिए थे और घर पे मैंने इनको दो तीन बार वॉश कर लिया। वैसे तो ये मुझे साफ़ ही मिले थे, मैंने बस इनको घर पे वॉश कर लिया। ये मैंने बेसिक मैरिनेशन तैयार की है अदरक लहसुन और हरी मिर्च से, और ये मैंने मिक्स कर दी इन धुले हुए प्रॉन्स में, और मैं अच्छे से इनको मिक्स कर दूंगी ताकि ये जो मेरे प्रॉन्स है अदरक लहसुन और मिर्च का जो फ्लेवर होता है अपने अंदर सोख ले। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ये प्यारा मैरिनेशन बनाया है मैंने इसका। ये कोई स्टैंडर्ड रेसिपी नहीं है, जिस मेरा मन किया वैसे वैसे मैंने बना दिया। अब मैंने एक कढ़ाई में ऑलिव ऑयल ले लिया और मैं एक ही करके ये जो प्रॉन्स हैं उस कढ़ाई में सजा रही हूँ तेल के ऊपर। तेल बहुत कम है, ऐसे लग रहा है कि कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेल है, लेकिन ये तेल बहुत ही कम है, बिल्कुल सरफेस पे टच कर रहा है। और ये प्रॉन्स को मैं एक एक करके लगा रही हूँ, और तब तक ज़्यादा देर नहीं पकाना है, हार्डली 2 मिनट्स के लिए मुझे इसको तेल में फ्राई करना है। और देख रहे हैं आप इसका कलर कैसा हो रहा है, एकदम रोज़ गोल्ड जैसा, बहुत ही प्यारा कलर। ये देखिए मैंने ये प्रॉन्स अपने बाहर निकाल दिए हैं और कितना प्यारा कलर आ गया है उसको, पिंक पिंक कलर। अब मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा और ऑयल ऐड किया, क्योंकि मुझे ये प्याज अपने भुनने थे। ये लगभग मैंने 2 छोटे प्याज लिए हैं और मैंने इनको रफली चॉप किया था, जैसे भी आपका मन करे वैसे करें। और मैंने इसको थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो रहे हैं ये, तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो बचा खुचा मैरिनेशन था अदरक लहसुन वाला, वो भी मैं इसमें ऐड करती हूँ, वेस्ट नहीं करना है। तो अच्छे से मैं इसको भून लूँ। मुझे ये जो तड़की की खुशबू है ना, कभी कभी बहुत अच्छी लगती है। क्या आपको अच्छी लगती है बताइए। और वाह, अच्छे से मैं खुरच रही हूँ जो भी नीचे चिपका हुआ है इसका मसाला। अब मैंने ऐड कर दिए इसमें कटे हुए टमाटर, लगभग मैंने एक बड़ा टमाटर काट के इसमें डाला है जो थोड़ा पका हुआ था, और अच्छे से इसको हिलाते रहे। अब मैं इसमें करूँगी ऐड नमक। नमक इसलिए क्योंकि जो मेरे टमाटर हैं वो थोड़ा सा कच्चा था कहीं कहीं से, तो वो अच्छे से गल जाएगा, मतलब उसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नमक डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और चलाऊंगी, और जो ये जो इसका तड़के का मसाला है ना, उसमें भी प्रॉन का जो फ्लेवर था वो इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने इसी ऑयल में पहले प्रॉन्स भी फ्राई किए थे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या आप लोगों ने कभी प्रॉन्स बनाए हैं, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के। और बनाए हैं तो कैसे बनाए हैं। मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी थोड़ी सी, और हल्की सी मिर्च भी डाल दी, और अब मैं इस जो इस तड़के को अच्छे से चलाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि ये तड़का जो है ना प्रॉपरली अच्छे से भुन जाए। आप देखिए ये कैसे तेल छोड़ रहा है ना तड़का। और अब मैंने इसमें डाल दिया हल्का सा धनिया पाउडर, कलर देखिए एकदम मस्त सुनहरा लाल, बहुत सुंदर कलर। हल्की सी हल्दी मैंने और इसमें ऐड कर दी। मैंने कहा था कोई स्टैंडर्ड रेसिपी नहीं है, जैसे आपका मन करे वैसे बना सकते हैं। और इसके बाद अब जो मैंने प्रॉन्स निकाले थे ना, वो सारे प्रॉन्स मैं इसमें डाल दूँ, और मैं अच्छे से मसालों के साथ इसमें प्रॉन्स में मिक्स कर दूंगी, और ताकि पूरा जो ये मसाला जो है ये अच्छे से इसमें मेरे प्रॉन्स मतलब लपेट लेती हूँ इनके ऊपर अच्छे से प्रॉपरली। मुझे तो मज़ा आ रहा है देखने में, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या लगता है कैसा बना होगा ये। उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको चलाया,
जो भी कहीं पे मसाला लगा हुआ है कढ़ाई पे, वो भी इस सॉर्ट ऑफ ग्रेवी में आ जाए, मिक्स हो जाए। मुझे ये जो बनाने की प्रक्रिया है पूरी, इसमें मुझे बहुत मज़ा आया। आई मीन मेरा तो मतलब मन खुश हो गया। ये देखिए मैंने ऊपर ऐड कर दिया है इसके थोड़ा सा धनिया पत्ता, और ये मैंने हल्का सा गरम मसाला भी डाल दिया था इसमें। बहुत ही मसालेदार करी बनी है। आप इसको मसाले पूरा अच्छे से, मुझे लग रहा है कि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मैं इस पे एक ढक्कन लगा दूंगी।